राजधानी दिल्ली के करीब 25 सरकारी अस्पतालों के 15,000 रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। इससे मरीजों व तीमारदारों को दिक्कत पेश आ रही है। सैकड़ों मरीज ऑपरेशन के इंतज़ार में हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों को अल्टीमेटम देते हुए सुबह 11 बजे तक काम पर लौटने को कहा है। अगर हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं की तो सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकती है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को ही डॉक्टरों की एसोसिएशन की सारी बातें मान ली थी, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुई है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संकेत दिया है कि अगर रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिएगा, कल हम मेरे साथ जितने भी लोग थे डॉक्टर्स की, उनकी मीटिंग हुई थी। उनकी 19 डिमांड थी। उसके अलावा जो उन्होंने मीटिंग के अंदर डिमांड रखी उनको भी मान लिया गया। 24 डिमांड मानी गई उनकी, कोई भी डिमांड को मना नहीं किया गया। अब इशू उनका ये रह गया, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट माने या एमसीडी माने। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया गया, एमसीडी को लेटर लिख दिया गया कि हमने जो माना है आप भी मान लीजिएगा। परंतु दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको 11 बजे तक काम पर आ जाना चाहिए। अगर वो काम पर नहीं आते, इसका मतलब हमने जो बात मानी, हमने पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए मानी ना, कि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, पेशेंट को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर इस अभी भी परेशानी होगी तो फिर कैसे चलेगा? तो सख्त कदम लेना पड़ेगा सरकार को। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कल मेरे से कह रहे थे कि हम तो डॉक्टर है। मैंने कहा फिर तो आप हरियाणा की और तमिलनाडु की बातें भी लेके आ जाओ। गुजरात के अंदर 15,000 रुपये मिलते हैं, दिल्ली में 70,000 रुपये देते हैं, तो गुजरात का भी मुद्दा लेके आ जाओ कि वहाँ 15,000 क्यों मिलते हैं। दिल्ली सरकार तो सॉल्व नहीं करेगी। अब वो कहते हैं हर स्टेट में अलग अलग पैसे मिलते हैं, वो बराबर मेरे हाथ में नहीं है। वो जाके आप केंद्रीय मंत्री से बात कर लो भाई, मैं पूरे देश की समस्याएं सॉल्व नहीं कर सकता। अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की जितनी समस्या थी मैं सबके। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।